अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं अपना CS 610 का लेक्चर नंबर 7। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन MCQs के हवाले से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। द डिवेलपमेंट ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल स्टार्टेड इन 1960 एंड अर्ली 1970। सबसे पहला MCQs आपके पास ये आ गया कि जो शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स है वो कब स्टार्ट हुए थे। तो आपने याद रखना है कि 1960 में ये स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1970 से पहले ये कंप्लीट हो गए थे। हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ लैन टेक्नोलॉजी, लैन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद है द की आइडिया बिहाइंड वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शंस बाय शेयरिंग कनेक्शंस अमंग मेनी कंप्यूटर्स। अब इसका जो मेन आइडिया था, जो इसको लाने के लिए जो इकदाम किए गए थे, वो इसलिए किए गए थे कि जो इसके कनेक्शंस हैं उनको कम किया जा सके। हमने ऊपर वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हम तकनीक यूज़ कर रहे थे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में, उसमें कनेक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। तो यहाँ पर अब हमने जो कनेक्शंस हैं उनको कम करने के लिए ये सारा सिस्टम किया था यहाँ पर। इसके बाद है लैंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस कास्ट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस बट अटैच कंप्यूटर्स कंप्यूट फॉर यूज़ ऑफ शेयर्ड कनेक्शंस। तो यहाँ पर जो लैंड टेक्नोलॉजी थी उसने कनेक्शंस के जो एक्सपेंसिव थे उन्हें कम कर दिया था, और जो शेयर्ड कनेक्शंस हैं उन्हें बढ़ा दिया था, जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ कर सकें। इसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेशन ऑफ लैंड एंड लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस। लैन आर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। One of its bright feature is that this technology is inexpensive. The demand of LAN is related to principle known as locality of reference principle. अब जो हमारे पास LAN है ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं, हालांकि स्टिल अब हम भी यही यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक जो सबसे ज़बरदस्त फीचर ये है कि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव है। और जो इसकी डिमांड लैन की, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है कि द डिमांड ऑफ लैन इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल नोन एज। आपके पास ये MCQs दे सकते हैं एट द प्रिंसिपल नोन एज, तो आगे ये आपके पास ऑप्शन मुख्तलिफ दे देंगे। तो आपने ये वाला ऑप्शन याद रखना है, लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल, लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस प्रिंसिपल क्या चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प प्रिडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न्स। अब इसके आगे टू टाइप्स हैं, एक है इसकी स्पार्शियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और दूसरी है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब स्पार्शियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है। इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद ईच कंप्यूटर्स डाटा लोकेटेड नियर बी। अब इसमें ये होता है कि जो हमारे करीब करीब के जो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें या कुछ सिस्टम कह लें जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, वो डिवाइस वगैरह जिसके करीब करीब के जो कंप्यूटर्स हैं ना, ये सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट करती है। जबकि जो टेम्पोरल होती है उसमें होता है कि इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद सेम कंप्यूटर्स रिपीटेडली। द लैन आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ स्पार्शियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जो टेम्पोरल होती है इसमें होते हैं जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क पहले से कनेक्टेड है ना, ये सिर्फ उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करती है, नेक्स्ट को इंक्लूड ही नहीं करती है। इसमें सिर्फ जो पहले से कंप्यूटर है ना हमारे पास, ये सिर्फ उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन करती है। इसके बाद इसकी लैंड टिपोलॉजीज़ की आगे थ्री टाइप्स आ गई हैं, एक स्टार है, रिंग है और बास है। ये हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ी हैं, CX601 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू सेंट्रल हब विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड हब। तो इसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होते हैं। आपने इसकी डायग्राम पे नहीं जाना, ये सेंट्रल हब किसी तरीके से भी हो सकती है, ये सेंट्रल हब एक सेंट्रल हब के साथ इधर कंप्यूटर इस तरीके से बन के भी आ सकते हैं, ये लाजमी नहीं है किस तरह। बस इसका आपने ये याद रखना है कि ये एक सेंट्रल हब के साथ जुड़े होते हैं और सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये एक इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी बन जाती है, यहाँ पर से कंप्यूटर सारे अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस हब की मदद से। तो यहाँ पर इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। हमने सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आएंगी, बाकी हमने दूसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क द कंप्यूटर आर कनेक्ट टू ईच अदर इन क्लोज लूप। अब यहाँ पर क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग की तरह कंप्यूटर्स बने होते हैं और वो एक वायर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। ये देखें, यहाँ पर से ये एक वायर के ज़रिए कनेक्ट हैं ये सारे कंप्यूटर, ये सारे यहाँ पर कंप्यूटर एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किए गए हैं इस तरीके से। रिंग टोपोलॉजी, रिंग में रिंग का मतलब से ही रिंग लग रहा है। इसके बाद हमारे पास बस टोपोलॉजी। या बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल लॉन्ग केबल एंड एनी कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू एनी कंप्यूटर।
तो अब यहाँ पे होता है कि एक बस है, इसके ऊपर एक वायर लगा दी जाती है, ये वायर लगी हुई है, ये इसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, वो ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये इन्होंने वैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है किस तरीके से इसकी जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। अब इन तीनों के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इन रिंग में होता है कि इट इज़ ईजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स, हाउएवर इंटायर नेटवर्क इज़ डिसेबल इफ केबल कट अकर्स। अब रिंग में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक केबल के साथ कनेक्ट हैं, अगर ये इस केबल में कट लग जाए तो सारे का सारा जो कनेक्शन है ना वो लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो सारे का सारा कनेक्शन। अब स्टार में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड स्टार ओनली वन कंप्यूटर इज अफेक्टेड व्हेन केबल कट अकर। तो स्टार में क्या होगा कि जब अगर कोई केबल कट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये हो जाती है, ये हो जाती है, ये होती है, तो फिर सिर्फ एक कंप्यूटर ही कनेक्ट जो है वो डिसेबल होगा, बाकी सबका कनेक्शन चलता रहेगा क्योंकि ये सारे तो सेंट्रल हब के साथ हैं। हाँ, अगर सेंट्रल हब को कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर सारा ये भी सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद हमारे पास बस टोपोलॉजी, द नेटवर्क नीड फ्यूर वायर्स देन अ स्टार, हाउएवर इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल व्हेन अ केबल कट अकर। इसमें वायर तो कम यूज़ होती हैं, यानी कि स्टार में तो बहुत ज़्यादा वायर्स यूज़ होती हैं, इसमें वायर तो एक यूज़ हो रही है, लेकिन इसका मसला ये होता है कि अगर इस वायर में कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सारे का सारा इंटायर का जो नेटवर्क है ना वो सारे का सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके बाद है हमारे पास इथरनेट इज़ वाइडली यूज्ड लैंड टेक्नोलॉजी, इट वाज इन्वेंटेड एट एक्सरॉक्स पार्क। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है पार्क, तो इसका आप मुखफ़ पूछ सकते हैं। तो इसका है पालो आल्टो रिसर्च सेंटर, आपने ये यूज़ करना है, और इंटरनेट काफ़ी वाइडली यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी। द स्टैंडर्ड इज़ नो मैनेज बाय IEEE इन विच 802.3। अब आपने IEEE इसका आई थिंक ये था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो आपने ये याद रखने हैं, ये वाले जो आपके पास आपको ये पॉइंट्स दे रहे हैं ना, ये आगे काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो आपने ये 3, 4, 5 ही होंगे, तो आपने इनका डिफरेंस याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार आते हैं। तो यहाँ पर है द स्टैंडर्ड इज़ नाउ मैनेज बाय IEEE, तो ये इनके ज़रिए मैनेज हो रहे होते हैं, जो कि 802.3 है। इंटरनेट जो है ये बस्ट पॉली को यूज़ करती है, बस्ट टोपोलॉजी को यूज़ करती है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने याद रखने हैं। वन इंटरनेट केबल इज़ सम टाइम कॉल्ड सिगमेंट, एक इंटरनेट केबल को कभी कभार सिगमेंट भी कहते हैं। द सिगमेंट की जो लिमिट है वो 500 मीटर होती है, 500 मीटर होती है, और इसकी जो मिनिमम सेपरेशन होती है वो कनेक्शन हैं वो 3 मीटर पे होते हैं। अब इसकी स्पीड की बात कर लें, तो स्पीड ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनली 3 MB/s, इसकी जो स्पीड है वो 3 MB है, जो करंट स्पीड चल रही है वो 10 MB है, और अगर हमें फास्टेस्ट इंटरनेट ऑपरेट करना है तो हमें 100 MB/s मिल सकती है इसकी स्पीड, लेकिन अभी तो ये गीगाबर्ड्स में भी अवेलेबल है। इनकोडिंग यूज्ड इन इंटरनेट, द इनकोडिंग यूज्ड इन इंटरनेट इज़ मैनचेस्टर कोडिंग, इट यूज सिग्नल चेंज टू इनकोड डेटा। तो आपने ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि कोडिंग इंटरनेट में कौन सी कोडिंग यूज़ होती है, तो मैनचेस्टर की कोडिंग यूज़ हो रही है, इनकोडिंग यूज़ हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर से एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये आपने याद रखना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करती है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी करंट स्पीड कितनी है, ओरिजिनली कितनी है, और अब अवेलेबल कितनी है, इसके बाद ये सारा यहाँ पर से आपने देख लेना है। तो कैसे लगी गाइज आपको वीडियो, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लास्ट में बताना है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।